अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से। ये हमने फ्रॉक 4 to 5 ईयर बेबी की रेडी की, तो इसमें कुछ जगह पे जोड़ है क्योंकि मैंने इसको कट पीस में से रेडी किया था, तो वहाँ पे मैंने इसमें पिनटेक्स डाल दिए हैं। आप इसको सेपरेट पीस में भी रेडी कर सकते हैं। तो आइए चल के इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक के लिए मैंने जो लेंथ ली है वो 24 इंच और जो इसकी विड्थ ली है वो 11 इंचज ली है। ये सिर्फ एक पीसिस है। फ्रंट का देखें, यहाँ पर मैंने इसमें जोड़ डाला था, तो मैं यहाँ पे पिनटेक्स 1-1 इंच के फासले पे मैंने यहाँ पे 4 to 5 पिनटेक्स डाले हैं। तो देखें पिनटेक्स डल चुके हैं। अब मैंने जो इसके साइड पैनल हैं उनकी कटिंग करनी है, तो 2 पीसेज मैंने यहाँ पे साइड पैनल के, इनकी लेंथ भी 24 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच ली है। 4.5 इंचज के मैंने यहाँ पे चौड़ाई में 2 पीसेज लिए हैं। अब जो हमारा बैक वाला पीस था उसके अंदर हमने इसको ज्वाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप इसको कट पिट में से भी रेडी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये फ्रॉक रेडी होती है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और 5.5 इंच के मैं यहाँ पे शोल्डर रख रही हूँ। 5 इंचज के मैं यहाँ पे आर्म होल रखूँगी। 7.5 इंच के मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। डबल इसके बनेंगे 15 इंच और इसकी जो वेस्ट है कमर का निशान मैं यहाँ पे 13 इंच का लगाऊंगी। हाफ इसके बनेंगे 6.5 इंचज। तो इसको इस तरीके से मैं क्रॉस में कटिंग करूँगी। बैक हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं फ्रंट पीस की तरफ। फ्रंट के भी लेंथ जो है 2 पैनल की मैंने 24 इंच ली है। 4.5 इंचज इसकी भी विड्थ है। तो ऊपर वाला जो योक है ना उसकी जो लेंथ है वो मैंने 10 इंचज ली है और जो चौड़ाई है वो 7 इंचज ली है। अब जो आगे प्लेटेड पार्ट डलेगा तो उसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। लेंथ ये याद रखिएगा कि लेंथ इसकी कम है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 20 इंच ली है। तो जहाँ से 20 इंच वाला हिस्सा है उसमें हमने प्लेट डालनी है, बस ये आपने ध्यान रखिएगा। और जो 7 इंचज वाला योक है वहाँ से हमने इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं जॉइंट लेस लगा रही हूँ। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप इसको सिंपल भी इसी तरीके से स्टिच कर लें। अब जो ये 7 इंचज वाली तरफ है ना इसकी जो योक की, वो हमने इसमें रख के स्टिच लगा लेनी है। प्लेट हमने इसमें 7 इंच की ही डालनी है। तो देखिए हमारा आगे वाला योक रेडी हो चुका है। अब जो हमारे साइड पैनल थे वहाँ पे मैं जॉइंट लेस का यूज़ कर रही हूँ। अगर मैंने पहले भी बताया, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आपने इस पर सिंपल इसी तरीके से रख के सिलाई कर देनी है पैनल के साथ। तो यहाँ पर हमारी जॉइंट लेस लग चुकी हैं। ऊपर आपने एक लाजमी से सिलाई लगा देनी है ताकि ये फिनिशिंग से अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो जो हमारा आगे योक वाला पीस था फ्रंट वाला, उसके साथ हमने रख के इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप एक ऊपर बूट की लाजमी से लगाइएगा ताकि इसको अच्छी तरीके से ये फिनिशिंग के साथ बैठ सके। जॉइंट लेसेस लग चुकी हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब जो हमारा बैक वाला पीस था, बैक वाले पीस को हम इसके ऊपर रख के सेम जैसे बैक वाली की कटिंग की थी इसी तरीके से फ्रंट वाला पीस भी हम कट कर लेंगे। नेक के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच विड्थ में निशान लगा रही हूँ और 1.5 विड्थ में निशान लगा रही हूँ। ये मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट के लिए 2 इंचज विड्थ और 3.5 इंचज इसकी डीप रखेंगे, यानी 3.5 इंच में इसकी गहराई रखूंगी और चौड़ाई में इसकी 2 इंच लूंगी। तो ये 4 इंच का हमारा चौड़ाई में गला रेडी होगा। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे मैंने चकोर गला रखा है। आप इसको गोल भी रख सकते हैं लेकिन चकोर से एक बहुत अच्छा सा स्क्वायर से लुक आता है। बैक की मैं कटिंग कर लूँगी। बैक की बटन प्लेकेट भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और एक पट्टी लेके उसको बीच में से कट करके मैं बैक का नेक रेडी कर लूँगी। अब एक चौड़ी मैंने पट्टी ली है। आप यहाँ पे फ्यूजिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंपली इसमें कट्स लगा के सिलाई लगा के और इसको फोल्ड कर लिया। ऊपर से मैं यहाँ पे GPO की लेस यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लेस लगा लूँगी। देखिए हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने बैक वाले पीस को लेना है। बैक वाले भी नेक मैंने रेडी कर लिया था, एक बटन के लिए लूप्स लगा दिया था। यहाँ पे मैं शोल्डर लाइन को इसकी ज्वाइन कर लूँगी। दोनों फ्रंट और बैक के पीस की जो शोल्डर लाइन है उनको रख के स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी देखें दोनों जो फ्रंट और बैक है वो स्टिच हो चुके हैं। अब मैं बैक का नेक रेडी करूँगी। क्रॉस स्ट्रिप ली है 1.5 इंचज की और उसको रख के मैं नेक को रेडी कर लूँगी। इस तरीके से फुल फोल्ड कर लूँगी और ये देखिए हमारा बैक भी रेडी हो चुका है। बटन भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया था। स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो लेंथ ली थी
वो यहाँ पे मैंने 11 इंचेस लेंथ ली थी और जो विड्थ इसकी ली थी वो 12 इंचेस ली थी। यहाँ पे मैं जॉइंट लेस का यूज़ करूँगी तो मैंने लेंथ कम ली है। अगर आप जॉइंट लेस नहीं लगाना चाहते तो आपने इसका 14 इंच की लेंथ लेनी है और विड्थ इसकी 12 इंच ही लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अलग से सेपरेट कपड़ा ले लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंचेस है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे इसकी 10 इंच ली है। तो यहाँ पे मैं इस पर जॉइंट लेस लगा लूँगी। एक इस पर एक अच्छा सा लुक आता है क्योंकि हमने शर्ट पे भी यहाँ पे जॉइंट लेस का यूज़ किया था, तो इसलिए आगे स्लीव्स पे भी हम इसमें जॉइंट लेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रख के इसको स्टिच कर लूँगी और फ्रंट पर मैं GPO लेस लगाऊँगी सिंपली। हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो 12.5 इंच बनी है, 12.5 इंचेस की। अब मैं इसको रख के अपने जो शर्ट है उसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। दोनों स्लीव्स को मैं रख के स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके फ्रंट पे लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पे दो जगह पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही जगह पे इसमें लेस लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो जगह पे दामन पे लेस लगाई है और पीछे का मैंने इसको सिंपल स्टिच किया है। तो देखें दोनों तरफ की हमारी लेस लग चुकी है और जो पैक है वो मैंने सिंपल ही स्टिच किया है इसका। अब यहाँ पे हम इसकी साइडों की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ की फ्रॉक की। कुछ फाइनल लुक थी फ्रॉक की। तो आप देखिए इस तरीके से कुछ कट पीस में से और कुछ ऐसे अपनी बेबी की फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।